क्या आप भी देश और दुनिया की खबरों से रह जाते हैं बेखबर? तो सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे HT News चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। न्यूज जो कि बिल्कुल वायरल हो रही है कि बहादुरपुरा में कोई वफ लैंड पे किसी का एंक्रोचमेंट है, बल्कि जो कि बिल्कुल वफ लैंड है वो 100% हमारे पास उसकी गजट के तहत हमें आपको एश्योरेंस दे रहे कि वो वक्फ बोर्ड की लैंड है और थोड़ी सी लैंड उसके अंदर जू पार्क में भी गई थी। ये टोटल 10,700 गज का इसका टोटल हमारा एक्सटेंट है सर्वे नंबर पे हो, और जिसके लिए हमारे पास कोर्ट के लिए भी हम वो कर रहे हैं। ऑलरेडी इन लोगों के इंक्रोचर्स के ऊपर एक FIR भी हुआ था 2019 में, वो भी केसेस हमारे कोर्ट में पेंडिंग है और इंशाल्लाह ताला ये केस को हम जो सो वक्फ बोर्ड के तहत, और वंस एक बार जो वफ की जमीन होती है, वंस इज वफ इज ऑलवेज वफ। देखिए साहब, वफ की जमीन होती है गरीबों के लिए, उस जमाने में मंशाए वफ के तहत गरीबों के लिए सोच के, यतीम यसीर के लिए सोच के हमारे बुजुर्ग जो है सो ये जमीन वफ करके गए हैं। तो गरीब के लिए मतलब ऐसा नहीं कि कोई भी गरीब जाके इंक्रोच कर ले, कोई भी जाके कब्जा कर ले और ये बोले कि गरीब की जमीन गरीब को मिल गई, बोल के बिल्कुल गलत है। इसके लिए कानून है, कोर्ट है, वफ के भी कुछ दायरे है, वो हिसाब से हमारे को काम करना पड़ता है और इसके लिए कोर्ट में केसेस पेंडिंग है। अगर कोई ये गलत अफवाह उठा रहे या टाइमिंग अगर कोई कब्जा करके वहां शीट्स पे लगा रहे तो इंशाल्लाह ताला जल्द से जल्द हम वो चीज को हम तोड़ देंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम सैयद इमरान अली है। काफ़ी दिन से एक लोग ऐसे न्यूज़ दार रहे कि मैं लाइन ग्रैबिंग करा बोल के, तो ये बोलना इसलिए मैं आज आप लोगों के सामने आया कि 2019 में तहनियत सिद्दीकी और शमसल जमा सिद्दीकी दोनों भाई बहन मिलके मेरे को ये प्रॉपर्टी GPA करे। GPA करके ये बोले कि ये ज़मीन हमारी है सो कोई रेंट वाले खाली नहीं कर रहे, जिसका नाम आदिल भाई और अहमद भाई है, ये लोग खाली नहीं कर रहे, हमारी जेन्यून प्रॉपर्टी है ये बोल के मेरे सामने लेके आके बताए, प्रॉपर्टी बताए, डॉक्यूमेंट्स बताए, उसके बाद मेरे नाम पे GPA करे लोग। करने के बाद मैं साइट पे गया, जाके आदिल भाई अहमद भाई लोग से बात करा। बात करने के बाद जैसे उन मालूम ये पड़ा कि भाई ये ज़मीन के डॉक्यूमेंट्स इनके पास भी है, जो कि उनके फादर के नाम से आ रही है वो डॉक्यूमेंट बोर्ड, जो उनका टाइटल है। जब हम कब्जे पे गए, जाने के बाद वक्फ बोर्ड आ गए, वहाँ पे वक्फ बोर्ड आके बोली कि ये प्रॉपर्टी वक्फ की है, वक्फ की है बोलने के बाद हम ठीक है बोलने के बाद वो लोग मेरे पर FIR करे उस टाइम पे वक्फ बोर्ड वाले बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन से। तो हम हाईकोर्ट में गए, उनके खिलाफ केस डाले कि भाई ये लोग वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, तहनियत सिद्दीकी वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, आदिल भाई वो लोग उनकी प्रॉपर्टी बोल रहे हैं, आखिर किसकी है बोलने के बाद वक्फ बोर्ड लेके आके अपने अपने डॉक्यूमेंट्स डाली वहाँ पे। डालने के बाद कोर्ट में मेरा 5 साल अनकरीब केस चला, 4 से 5 साल। उस दरमियान में हमको अबू अकरम बोल के वक्फ बोर्ड की तरफ से जो लायर थे उन्हों केस लड़ रहे थे हमारी तरफ से, उनकी तरफ से वक्फ बोर्ड की तरफ से थे, इधर से हमारी तरफ भी वो सपोर्ट करे उन्हों करके हमारे को वहाँ बाउंड्रीज नहीं बैठते बोल के ऑर्डर पास कराए। ऑर्डर पास कराने के बाद उसके बाद इतने सारे चीज़ें सामने आए कि भाई हमको ज़मीन छोड़ के हट जाओ बोले। हम बोले ठीक है भाई हट जाएंगे, हमारे जो पैसे लगे वो हमारे को हैंड ओवर कर दो, ठीक है बोल के बलीग भाई और राशिद बोल के दो जने आए हमारे से बात करने के लिए। हमारी उनकी बात हुई तो हम उनको ये बोले कि ठीक है वक्फ बोर्ड की अगर ये प्रॉपर्टी नहीं है तो वक्फ बोर्ड की तरफ से जो मेरे ऊपर केस बुक हुआ बहादुरपुरे से वो आप क्लोज़ करा दो बोल के बोले। ठीक है हम कराते क्लोज बोल के बोले, मैनेज करके वो ऑर्डर लिए सो है। अबू अकरम साहब भी इसमें इन्वॉल्व है और बलीग भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है और राशिद भाई इसके अंदर इन्वॉल्व है। अब उन दोनों के बीच में टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा, मेरा ना ही आदिल भाई लोगों के डॉक्यूमेंट में कोई मैं विटनेस हूँ, ना ही बलीग भाई जो तहनियत सिद्दीकी लोगों से लिए सो उसमें कोई मैं विटनेस नहीं हूँ। AGPA जो मेरे को लोग वक्फ बोर्ड के लिए कोर्ट में लड़ो बोल के जो AGPA करे वो करने के बाद ऑर्डर आने के बाद अब वो AGPA पे बहन साइन मारी, भाई साइन ने मारा बोल के फोर्जरी केस बुक करे मेरे ऊपर। केस बुक करने के बाद आज फिर 24 तारीख के दिन वक्फ बोर्ड वाले वहाँ पे गए साइट पे, मेरे को भी कॉल करे, कॉल करने थे मैं भी गया वहाँ पे। जाने के बाद बोले कि भाई ये क्या है, शीटा मीटा कौन मारे? मैं बोला बलीग भाई मारे, अजहरुद्दीन साहब के भाई, उन्होंने मारने लगा शीटा। फिर ये आपके ऊपर केस हुआ था ना, मतलब ये ऑर्डर लिया मैं, मेरे को तंग करे सेटलमेंट करो बोल के, मैं नहीं करा तो इलीगली आके पोजीशन लिए, कंप्लेंट करा, पुलिस भी आई कुछ भी हेल्प नहीं करी। उसके बाद अब
सीधा सीधा ये मसला हो गया कि अब साफ सीधा हमारे को वहां जाना ही नहीं बोल रहे, जबकि वक्फ बोर्ड से मेरे ऊपर केस है, मैं वक्फ बोर्ड से केस जीता सो वाला हूँ, अब मेरे को वहाँ नहीं जाना बोल रहे लोग, नहीं जाना बोल रहे कि भाई तुम जाओ, आपके जो पैसे लगे आप जाओ, अजहरुद्दीन के भाई बलीखुद्दीन आपको दे देते, आप मत आओ बीच में, आदिल भाई लोग उन लोग कोर्ट में लड़ लेते। अरे भाई इन दोनों का टाइटल अपनी जगह है, उन्होंने उनकी है बोल रहे हैं, आप आपकी है बोल रहे हैं, वक्फ बोर्ड अपनी है बोल रहा, इसमें मेरे ऊपर फॉल्स केस क्यों मूव कर रहे हैं भाई आप? मैं क्यों, किसकी वजह से आपको केसेस बुक करें, कौन बोल रहे हैं आपको केस बुक करो बोल के? ऐसा भाई जब एजीपी अगर डुप्लीकेट है तो ये ऑर्डर भी कैसा है फिर? आज वक्फ बोर्ड गई तो आप बोल रहे थे ये ऑर्डर है उसके ऊपर आप न्याना बोल के, तो ये ऑर्डर पे जो जीपीए लगा के मैं ऑर्डर लिया उसको आप जैसे फॉर्स है बोल के केस बुक कर दिए मेरे ऊपर फोर्जरी, मतलब कौन सा तरीका है साहब ये आप लोग का, आखिर क्या है ये? फॉल्स केसेस बुक करना छोड़िए आप लोग, जो भी है आप लोगों को परेशानी बात करिए मेरे से, और ये जितने भी सारे जने जो गलत न्यूज़ डाल रहे कि मैं लाइन ग्राबिंग करा, आज 5 साल 6 साल से मैं कब्जे पे हूँ वहाँ पे, मैंने हर वो चीज़ का सबूत है मेरे पास, आज इलीगली मेरे पास पोजीशन ले लिए बलीग भाई, राशिद नवाब, तहनियत सिद्दीकी, पूरे मिल के आगे इलीगल पोजीशन लिए, हमारा कई सारा सामान है अंदर, कई सारे डॉक्यूमेंट्स है ओरिजिनल, डेक्सान तोड़ दिए, आईने तोड़ दिए, सर्विसिंग का जो आदिल भाई लोगों का उन लोगों के ऊपर भी शेट मार दिए, बाजू एक रेंट वाले स्टील वाले उनको भी शेट मार दिए, आखिर क्या करना चाह रहे साहब आप लोग, आखिर करना क्या चाह रहे? मेरे फेवर में ऑर्डर है ये, फर्स्ट पार्टी तैनिया सिद्दीकी है, सेकंड पार्टी शमसर जमा सिद्दीकी है, थर्ड पार्टी बाबा भाई है जो बाबा गौरी साहब है, तो फोर्थ पार्टी मैं हूँ, वो ऑर्डर भी फॉल्स है, अगर तुम ये चीज अगर गलत है बोले तो ये ऑर्डर भी गलत है।